हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने बायो का जो है जीव विज्ञान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में इसके सभी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आपको आज इसके जो है सभी रोगों को विस्तृत पूर्वक पढ़ना है, एक एक रोगों को जो है विस्तृत पूर्वक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मलेरिया के बारे में। तो बच्चों, मलेरिया एक ऐसा बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो उस कटबंधी क्षेत्र में तथा कटबंधी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। ये रोग जो है देश में काफ़ी देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वैज्ञानिक थे जिन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी, ठीक है। तो मलेरिया का जो परजीवी होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, वो प्रोटोजोआ संघ जो है का एक सदस्य है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको जो है पीछे इस बोर्ड पे जो है बताया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है मलेरिया के बारे में, मैंने आपको बताया है। तो बताया गया कि चार्ल्स अल्फांस लेब्रान, ये एक वैज्ञानिक थे, वो भी कौन से वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जो कि आप जानते हैं इस मच्छर कहाँ नहीं पाए जाते इस देश में। तो फ्रांस ऐसा देश है जहाँ मच्छर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है, क्या नाम है, चार्ल्स अल्फांस लेब्रान नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यही बताया था कि यह प्रोटोजोआ संघ का प्लाज्मोडियम जीव है जो मलेरिया रोग फैलाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इन्होंने केवल इतना ही खोज किया था। इसके बाद जो है दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर, देखिए बताया गया है कि सन 1894 ईस्वी में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने प्रोटोजोआ संघ के कौन सा जीव, प्लाज्मोडियम जीव को जो है खोज की थी और उसे विस्तृत पूर्वक जो है अध्ययन किया था और बताया था, ठीक है। तो यही आपको जो है बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम परजीवी जीव है, ये कितने पोषदों में, अर्थात इसका जो चक्र है वो किस अवस्था में चलता है, लेकिन इसको हम द्विपोषदी कहेंगे। कितने पोषदी, द्विपोषदी कहेंगे। द्विपोषदी का मतलब कि जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से इसका अंत होता है, तो एक तरीके से अपना साइकिल बनाता है, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इसका मतलब जीवन चक्र जो होता है वो मनुष्य और किसके बीच, मच्छर, दो ही होते हैं। कौन कौन है पहला हमारा, पहला तो हमारा होता है कौन सा, मनुष्य होता है, दूसरा हमारा कौन होता है, मच्छर, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने यही बताया था कि ये मच्छर काटने से होता है। मच्छर जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम, जैसे मान लेते हैं ये गंदे पानी के स्थानों पे बैठते हैं, तो प्रोटोजोआ प्राणी उस गंदे पानी में प्लाज्मोडियम रहता है, तो ये उसको खींच लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। और जब भी किसी मनुष्य के ऊपर बैठते हैं, मान लीजिए हाथों पर बैठते हैं, तो हाथों पर बैठ के यदि काटेंगे तो अपने विष के रूप में वही जो प्लाज्मोडियम होता है उसको शरीर में छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसके वजह से वो क्या करते हैं कि रुधिर लसिका में पहुँच के पूरे शरीर के अंदर ब्लड में पहुंच जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में ही ये यकृत पहुंच जाते हैं। और यकृत, लीवर जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो आप जानते हैं यकृत हमारे कई प्रकार का कार्य करता है, ठीक है। तो वहाँ पहुंच के इनके अंदर बुड़न वाली क्षमता हो जाती है। बुड़न का मतलब है इनके अंदर प्रजनन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से ये कई प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देते हैं। और इसमें जो है हमारे बॉडी में तनाव, ऐंठन और इसके बाद जो है तमाम प्रकार की जो है मतलब ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से मानव स्वस्थ नहीं रह पाता और वो हमेशा दुखी रहता है, जिसके कारण कभी कभी तो ऐसी स्थिति में ये रोग जो है मानव को क्षतिग्रस्त करके मृत्यु प्रदान कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आने के लिए हमको इसका जो है सबसे पहले उपचार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में आपको बताते हैं फिर आगे। तो देखिए, ये बताया गया है चार्ल्स अल्फांस लेब्रान नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि यह प्रोटोजोआ संघ का प्लाज्मोडियम नामक जीव से यह रोग उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद 1894 ईस्वी में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इन्होंने बताया कि प्रोटोजोआ संबंधित प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, इनका जो है खोज भी किया और विस्तृत पूर्वक अध्ययन करके उन्होंने बताया, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम फिर आगे बताते हैं आपको।
मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी। देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी यह किस तरह से उत्पन्न होता है, तो बताया जाता है प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ संघ है। बताया जाता है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है यह द्विकोशिकी चक्र बनाता है पहला तो बताएंगे पहला जो चक्र बनाएगा वो इसका कौन होता है, मनुष्य होता है, और दूसरा जो चक्र इसका होता है वो कौन होता है, मच्छर होता है। तो इन्हीं दोनों जीव में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पाया जाता है ठीक है। तो यह देखिए बताया गया है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, यह द्विकोशिकी चक्र बनाता है, पहला तो मनुष्य दूसरा कौन होता है, मच्छर होता है। और यह कहता है कि इन्हें दोनों जीव में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या होता है पाया जाता, मतलब ये दो ही प्राणी में जो होता है अपना जीवन चक्र चलाते हैं ठीक है। पहला तो मनुष्य होता है और दूसरा जो होता है वो कौन होता है, मच्छर होता है ठीक है। अब मच्छर का नाम क्या है ये आपको जानना है, तो मलेरिया में कौन सा मच्छर होता है, एनाफिलीज, कौन सा मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, यही मच्छर है जिससे जो है मलेरिया रोग फैलता है ठीक है। तो बच्चों ये आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि मलेरिया जो रोग होता है वो चार प्रकार का होता है ठीक है। अब चारों प्रकार आपको देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रकार इसका हमें देखना है, तो पहला जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम या फिर कहेंगे मलेरिया को चार भागों में बांटा गया है, नंबर एक पहला जो होता है मलेरिया वाइवैक्स। तो एक एक हम आपको बता के एक एक थोड़ा समझाते चले जाते हैं ठीक है। तो मलेरिया वाइवैक्स क्या होता है, देखिए मलेरिया वाइवैक्स जो होता है यह भी एक प्रकार का जो है रोग है ठीक है। इसमें बताया था कि इसमें रोग जो उत्पन्न होता है वो 48 घंटे में ज्वर उत्पन्न होता है ठीक है। तो इसमें यह होता है कि अपना जो असर दिखाता है वो 48 घंटे तक होता है ठीक है। और इसकी पुनरावृत्ति बार बार बताते हैं कि इस रोग की पुनरावृत्ति 48 घंटों में उत्पन्न होती रहती है तो ये पहला रोग इसका है। और दूसरा रोग बच्चों ये बताया जाता है इसका, दूसरा रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स तो पहला है, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैंसीपैरम। यह भी रोग जो होता है 48 घंटों के बाद ही मतलब जो उत्पन्न होता है और ये हमारे शरीर में रुधिर कोशिकाओं को अवरुद्ध कर देता है ठीक है। तो कौन सा होगा ये, प्लाज्मोडियम फैंसीपैरम। देखिए दूसरा रोग है
मलेरिया फैलसीपरम यह भी लोग बताया जाता है कि यह भी 48 घंटों में पुनरावृत्ति दर्शाता है यह इसमें प्लाज्मोडियम जीव उसमें प्लाज्मोडियम जीव रुधिर कोशिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है हाँ तो बच्चों आप देखेंगे इसमें यही होता है कि मलेरिया जो दूसरा रोग इसका है मलेरिया फैलसीपरम इसमें यही होता है कि यह भी 48 घंटों में अपनी पुनरावृत्ति दर्शाता है। ठीक है, 48 घंटों में जो उत्पन्न होता है फिर इसके बाद ही समाप्त हो जाएगा, फिर 48 घंटों में इसकी पुनरावृत्ति जारी हो जाती है। तो बताया जाता है देखिए इसमें प्लाज्मोडियम जीव रुधिर कोशिकाओं को अवरुद्ध कर देता है जिसके वजह से रुधिर का बहना बंद हो जाता है, और रुधिर का बहना यदि बंद हो जाएगा तो क्या हो सकता है, आदमी मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो है ये रोग दूसरा रोग है मलेरिया फैलसीपरम। ठीक है, तो फिर आगे अगला पढ़ाते हैं। तीसरा रोग है मलेरिया। देखिए तीसरे रोग का नाम इसका हम लोग देखते हैं तो इसका प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसको हम कह सकते हैं क्या चीज, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई रोग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कि यह रोग इसके इसमें जो होती है पुनरावृत्ति जो होती है वो 72 घंटों तक होती है। बताया जाता है कि इस रोग की पुनरावृत्ति 72 घंटों में दिखाई देती है ठीक है। और इस रोग का दूसरा नाम बच्चों बताते हैं सब क्लिनिकल मलेरिया इसे कहते हैं। इस रोग को सब क्लिनिकल मलेरिया के नाम से ही जाना जाता है ठीक बच्चों। ये आपका जो तीसरा रोग है देखिए बताया था प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो होता है इसकी रोग की पुनरावृत्ति 72 घंटों में दिखाई देती है। 72 घंटों में इसकी पुनरावृत्ति बार बार रोग की होती रहती है। इसको दूसरे नाम से सब क्लिनिकल मलेरिया के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है। ये तीसरा रोग है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा इसका नाम है चौथा प्लाज्मोडियम ओवेला। चौथा ठीक है तो प्लाज्मोडियम कुबेला जो रोग है उसका जो है चौथा रोग है। ठीक है, तो ये जो रोग होता है यह भी मच्छर के ही द्वारा उत्पन्न 48 घंटे में रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, यह भी हानिकारक ये ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, इसका उद्भवन काल 14 दिन तक होता है। ठीक है,
तो देखिए ये जो होता है कहते हैं कि किसकी किस रोग की पुनरावृत्ति, किस रोग की पुनरावृत्ति 48 घंटों में होती है, यह रोग हानिकारक नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। यह ज्यादा हानिकारक नहीं होता, सबसे हानिकारक होता है मलेरियाई, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई तीसरा जो रोगों ने बताया है, ये रोग सबसे खतरनाक होता है इस मलेरिया में। तो देखिए बताया गया इस रोग की पुनरावृत्ति 48 घंटों में, कितने घंटों में, 48 घंटों, ध्यान देना आपको 48 घंटों में होती है, यह रोग हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, बताया था कि इसका उद्भवन काल, उद्भवन काल, चलिए कुछ बता देते हैं आपको उद्भवन काल इसका, ठीक है। चारों नाम का पहले इसका लिख लेंगे, पहला है वाइवैक्स, दूसरा है फैल्सिपेरम, तीसरा क्या है इसका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और चौथा में क्या बताया आपको, चौथा में क्या बताया प्लाज्मोडियम वेला, ठीक है। ये चारों रोग हैं मलेरिया के प्रकार हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें ये कि वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेला, वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेला, ये दो हैं, ये दोनों का जो उद्भवन काल होता है, उद्भवन काल उनका कितना दिन होता है, उद्भवन काल जो होता है वो होता है 14 दिन, कितना दिन तक, 14 दिन, इसका भी उद्भवन काल कितना दिन होता है, 14 दिन होता है, ठीक है। बचे ये जो फैल्सिपेरम बचे हैं और मलेरियाई, मलेरियाई का जो होता है वो होता है 28 दिन, कितना दिन होता है इसका, 28 दिन उद्भवन काल होता है, मतलब 28 दिन में ये जो होता है शरीर में पूरी तरीके से घुलन कर लेता है, घुलन करके रोग को फैलाने में तेजी से वृद्धि करने लगता है, ठीक है। और इसका जो समय है 48 घंटे 72 घंटे में अपना रोग दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसका फैल्सिपेरम का जो है वो कितना है, 28 घंटे में जो है इसका उद्भवन काल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए पहला वाइवैक्स का उद्भवन काल कितना, 14 दिन, दूसरा फैल्सिपेरम का उद्भवन काल 28 दिन 28 घंटे, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई का जो है कितना, सॉरी दिन है इसका, घंटे नहीं है, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 28 दिन है, और बाकी प्लाज्मोडियम ओवेला कितना है, 14 दिन तक होता है इसको उद्भवन काल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस किस मच्छर से कौन सा रोग जो है उत्पन्न होता है, ये वाहक होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये सब जो होता है, यही मच्छर
कौन सा मच्छर? एडीम मच्छर काटने से होता है। कौन सा मच्छर बच्चों? एडीम मच्छर के काटने से ये रोग डेंगू चिकनगुनिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये मच्छरों के रोग होते हैं, ठीक है। मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी जैसे हो गया, ठीक है, हेलमिंथीस परजीवी जो हो गया, उनको लेके अपने बॉडी में मनुष्य के शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात ये एक तरीके से किसका काम करते हैं? वाहक का काम करते हैं, ठीक है, रोगों के वाहक का काम करते हैं ये मच्छर, ठीक है। तो आपको यही चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे आपको बताते हैं। तो सबसे अब हमको ये देखना है कि मलेरिया रोग के लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं। तो लक्षण में देखना है मलेरिया रोग के लक्षण। मलेरिया रोग के लक्षण, तो लक्षण में इसमें होता है कि शरीर में क्या होता है? कपकपी होती है, शरीर में कपकपी, ठीक है। ये होता है, तेज बुखार होता है, ठीक है, तेज बुखार, और समय समय पर उल्टी भी होती है, समय समय पर अतिसार कह सकते हैं, अमतिसार कह सकते हैं, अमितिसार की भावना उत्पन्न होती है, ठीक। ऐसी स्थिति जो है बनी होती है। और इसमें देख सकते हैं कि उल्टी, सिर पैरों में तेज दर्द होता है, बुखार में के बाद कमजोरी लंबी नींद बताया जाता है, बुखार के बाद लंबी नींद आती है, ठीक। ऐसी स्थिति इसमें लक्षण इसके होते हैं, तो लक्षण बने होते हैं बच्चों। ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, और पढ़ना भी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, हमको ये देखना है, या उपचार, इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है इसको। उपचार, ठीक है, उपचार कैसे कर सकते हैं बच्चों? बताया जाता है कि मलेरिया रोग में इसका उपचार करने के लिए मलेरिया उपचार हेतु परंपरागत औषधि, ठीक है, मलेरिया उपचार के लिए हमेशा से कुनैन नामक वृक्ष से सिनकोना की छाल, से औषधि प्राप्त की जाती है, जिससे रोगों का सही ढंग से इलाज हो सकता है। बच्चों को आपको ये देखना है, देखिए बच्चों, बताया यही जाता है आपको कि इसके जो है नियंत्रण मतलब उपचार के लिए जो है हम कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं। तो बहुत पुराने लंबे प्राचीन समय से जो होता है कुनैन के वृक्ष से सिनकोना छाल को निकाल के जो है यह औषधि बनाई जाती है, ठीक है। तो कोरोना वायरस में तो आप लोगों को बताया ही गया था, मतलब एक बार प्रचार हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो भारत से पीएम
नरेंद्र मोदी जो थे, माननीय नरेंद्र मोदी से जो है मलेरिया की दवा को जो है उन्होंने मंगवाया था, ठीक है। तो जिसका नाम क्या था, हाइड्रॉक्सी क्लोरोफिनान, ये नाम था ना। तो यही जो है लोग मतलब दवा को जो है लेके वो लेके गए थे, और जिसके कोरोना की दवा बनाने के लिए उन्होंने मांगा था, ठीक है। लेकिन वो सही काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो फेल हो गया जो है मिशन, ठीक है। तो ये आप इसी से उन्हें नामक वृक्ष के जो है सिंगोना की छाल से वो दवा बनती है, ठीक है। और मलेरिया के जो है उपचार में ये दवा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि मलेरिया का नियंत्रण हम कैसे करते हैं। मलेरिया रोग का नियंत्रण, मलेरिया रोग का नियंत्रण कैसे करते हैं, तो बच्चों आपको ये देखना है कि मलेरिया रोग का नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मच्छरों के लार्वा का सही ढंग से रोकथाम करना चाहिए, सही ढंग से रोकथाम करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये इसका है। दूसरा चीज है हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, ठीक है। और अगला पॉइंट इसका ये है, आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग सदैव करना चाहिए, सदैव करना चाहिए। और तीसरी चौथी पॉइंट इसका ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, कि मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको देखना है। तो इसके जो है नियंत्रण के लिए चार चीज ध्यान देना है। मच्छरों के लार्वा का सही ढंग से रोकथाम करना चाहिए, मतलब इनको लार्वा जो लेते हैं प्यूपा के रूप में जो है बॉडी में छोड़ देते हैं, ठीक है। और छोड़ने के बाद ये रुधिर कोशिकाओं में आधे घंटे पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, और उसके बाद ये यकृत में जाके अपना गुणन करने लगते हैं। गुणन करने से ये इनके अंदर प्लाज्मोडियम की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मानव की मृत्यु भी हो सकती है, और हो ही जाती है ऐसी स्थिति में। तो आपको देखना है, दूसरा पॉइंट है हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, तीसरी पॉइंट है मच्छरदानी का प्रयोग सदैव करना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है मच्छररोधी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ओडोमॉस कहते हैं ना, आप लोग जानते ही हैं कौन सा क्रीम होता है, ओडोमॉस क्रीम का यूज करना चाहिए, जिसके वजह से जो है मच्छर का रोकथाम अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। अब चलिए बच्चों, ये तो था मलेरिया के बारे में जो हमने आपको जो है बताया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपतिसार, जिसको हम पेचिस रोग कहते हैं, और ये पेचिस रोग जो होता है अमीबी पेचिस कहलाता है, ठीक है। तो ये अभी इसमें जो परजीवी है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो किसके द्वारा जो होता है दूषित भोजन दूषित जल के द्वारा जो होता है ये मानव के शरीर में प्रभावित हो जाता है, और अंदर रहकर जीव जो होता है ये हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न कर लेता है, ठीक है, और हमारे शरीर में दस्त उत्पन्न लगते हैं, अर्थात पेचिस रोग उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि अगले सेशन में जो है मैं अमतिसार के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बच्चों आप इस मलेरिया के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो में आपको अगले पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।